नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। मैं हूं अमृत सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज न्यूज। आइए हम ले चलते हैं आपको पिथावरा से सुलीवा जाने वाले रास्ते पर, जहां पर बारिश की अतिवृष्टि के कारण पूरा रास्ता टूट चुका है। वहां के किसानों को आने जाने में तकलीफ हो रही है और उनके खेतों से भी इतना बड़ा कटान पड़ गया है कि उस तरफ भी लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल है। पिछले समय हुई बारिश की वजह से पूरा रास्ता जगह जगह पर टूट गया है। वहाँ आने जाने के लिए परेशानी हो रही है क्योंकि आजकल सभी किसानों के पास वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल होती है, ट्रैक्टर होता है, गाड़ियाँ होती हैं। आपको बता दें कि पूर्व में ये रास्ता बनाया गया था और पहली बारिश में ही ये रास्ता टूट गया है। रास्ते को टूटे हुए करीब 1.5 से 2 महीने होने का है, लेकिन अभी तक न पंचायत की तरफ से न जिम्मेदार विभाग PWD की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुलीवा नदी से पिथापुरा साइड में जो नदी पर चढ़ते हैं, आगे से रास्ता पूरी तरह से खराब है, वाहनों के लिए चलने लायक नहीं है और यहाँ से ऊपर चढ़ते समय कभी भी हादसा हो सकता है। सीताराम चौधरी ने बताया कि आसपास के कृषि कुएं के लोगों को बड़ी भारी तकलीफ हो रही है आने जाने में। स्कूल जाते हैं लोग, रोज मंडार देवदर आसपास में सामान खरीदे या किसान अपने सामान को लेने के लिए जाते हैं, तो प्रशासन से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से ये रास्ता करवाएं। आसपास के किसान ज्योतिराम चौधरी, रघुनाथ जी कोली, राजाराम कलबी, गुराराम कलबी, तेज सिंह परमार और इसके साथ में भरत कुमार कोहली, रमेश कुमार कोहली आदि के कृषि कुएं आए हुए हैं, जिनको रोज़ सुबह शाम खेत पर जाना पड़ता है, कुएं पर जाना पड़ता है। कई लोग वहीं स्थानीय जगह पर रहते हैं। बड़ी भारी परेशानी हो रही है। बने रहिए हमारे साथ में ऐसी ही सामाजिक, सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे।